दिवाली से पहले ही दिल्ली NCR पॉल्यूशन की मार झेल रहा है। गाजियाबाद में हालात गंभीर हो गए हैं, इसलिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 271 पर पहुंच गया, जिससे गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर आ गया। इस प्रदूषण ने सांस के मरीजों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। शहर के अस्पतालों में अस्थमा और सांस लेने की बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस स्तर के प्रदूषण की वजह से सांस लेने में मुश्किल होना आम बात है। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए हैं। ग्रैप 1 के लागू होने के साथ ही होटलों और रेस्टोरों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है। अगर हालात और खराब होते हैं तो दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों का प्रवेश भी रोक दिया जाएगा। जिसमें पेट्रोल के BS3 और डीजल के BS4 वाहन शामिल होंगे। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सकता है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलना इसकी बड़ी वजह है। ये धुआं दिल्ली NCR में स्मॉग का रूप ले सकता है, जिसे AQI 400 के पार जा सकता है और लोगों के लिए घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो सकता है। शहर में टूटी हुई सड़कों से उड़ती धूल और कूड़े में आग लगाना भी प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण है। खासकर रेत मंडी से दीवान फार्म हाउस तक सड़कें खराब स्थिति में हैं, जिससे PM10 का स्तर बढ़ रहा है। कूड़ा प्रबंधन ठीक से ना होने की वजह से लोग सड़क पर कूड़ा जलाने को मजबूर हैं, जिससे धुआं फैलता है। पुराने वाहनों का चलना भी पॉल्यूशन बढ़ने का एक बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन वाहनों को सड़कों से हटाना जरूरी है, क्योंकि इनके धुएं से PM2.5 का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा दिवाली की वजह से शहर में यातायात का दबाव बढ़ गया है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहनों का धुआं और जाम में खड़ी गाड़ियों का धुआं भी पॉल्यूशन बढ़ने की एक बड़ी वजह है। ट्रैफिक पुलिस को इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि शहर वासियों को थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गाजियाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम जरूरी हैं, लेकिन लोगों की मदद और सख्त निगरानी भी जरूरी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। अगर जल्दी ही ठोस उपाय नहीं किए गए तो शहर में प्रदूषण की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। लोकल टीम के लिए गाजियाबाद से अदिति शुक्ला की रिपोर्ट।